Hello students, today we will study chapter 6 our cloths from unit 3 clothing of EVS book My Green Planet of class 4. In this chapter we will study making of cloths, cloths we wear, dresses of women, dresses of men, modern dresses. We all wear cloths to protect our bodies from heat, cold, rain and insects. Good and clean cloths make us look smart. Hum sab kapde kyun pehante hain? ताकि हम अपने शरीर को पान गर्मी ठंडी बारिश और कीड़े मकोड़ों से बचा सके. अच्छे कपड़े और साफ सुथरे कपड़े हमें स्मार्ट दिखाते हैं. मेकिंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ कैसे बनते हैं. क्लॉथ्स आर मेड बाय डिफरेंट प्रोसेस. द प्रोसेस बाय विच क्लॉथ इज मेड ऑन हैंडलूम और पावरलूम इज कॉल्ड वीविंग. कपड़े अलग अलग तरीकों से बनते हैं. जो तरीका बड़े बड़े कारखानों में और पावरलूम्स में इस्तेमाल किया जाता है कताई, उसको बोलते हैं वीविंग यानी कताई. Knitting is done on a knitting machine at homes. Knitting needles are used to knit woolens. Bunai, yani sweater, un, bunai. Knitting matlab bunai. Ye knitting machine se bhi ki jati hai aur gharon mein bunai karne ke liye kaanto ka istemal bhi kiya jata hai. Textiles, yani kapde. Textile is a material that has been woven from yarn. Textile are woven, printed and embroidered with a different design. Kapde एक तरह का मटेरियल होता है जिसको कि कताई बुन करके निकाला जाता है रुई में से धागा की तरह, और उस धागे बहुत सारे प्रिंट किए जाते हैं, सजाई जाती है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई की जाती है, अलग अलग तरीके से वो कपड़ा बनता है. डाइंग, द फैब्रिक कैन बी डाइड यूजिंग नेचुरल सिंथेटिक डाइज. डाइंग यानी रंगाई. कपड़ों को नेचुरल यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक तरीकों से रंगा जाता है. Tie and dye is a method used in Rajasthan to tie cloths and dye them. Tie and dye यानी बंधनी, जो कपड़े बांध के रंगे जाते हैं. ये famous है कहाँ का, राजस्थान में. ये प्रक्रिया बहुत आम तौर पे अपनाई जाती है जो कि बहुत ही अलग अलग तरह के patterns बन जाते हैं जिसमें. This method produces beautiful pattern और इसको बंधनी कहते हैं. कलमकारी, कलमकारी means कलम मीन्स पेन. इट इन्वॉल्व पेंटिंग ऑफ डिज़ाइन ऑन फैब्रिक विथ अ स्पेशल पेन. बिहार इज़ फेमस फॉर इट वर्क. कलमकारी ये एक तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है कपड़ों पे, पेंटिंग है जिसमें कलम का यानी पेन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहाँ फेमस है, बिहार में. ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ काइंड ऑफ प्रिंटिंग डन बाई वुडन ब्लॉक्स. ब्लॉक्स आर डिप्ड इन टू पेंट्स एंड प्रेस्ड ऑन द क्लॉथ टू मेक डिफरेंट पैटर्न्स. मैनी बेड शीट्स आर डेकोरेटेड बाई ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग यानी मुहर से प्रिंट किया जाता है. पेंटिंग का ये भी एक तकनीक है जिसमें बड़े बड़े डिज़ाइन को रंगों में डुबा कर कपड़ों पर उससे छापा मारा जाता है. इस पर आमतौर पर चादरों में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है. फूलकारी इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग कलरफुल सिल्क थ्रेड्स. दिस वर्क इज डन इन पंजाब. फूलकारी कढ़ाई है जिसमें कि रेशमी धागों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज़्यादातर पंजाब में किया जाता है. ये पंजाब में इस फेमस है. कांता वर्क इज एन एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स एंड समटाइम बीड्स. वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर दिस वर्क. कांता वर्क ये भी एक तरह का एम्ब्रॉयडरी है जिसमें कढ़ाई है, जिसमें रंगीन धागों और मोतियों का इस्तेमाल होता है. ये कहाँ फेमस है, वेस्ट बंगाल में. इकट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डाइंग द यार्न इनटू डिफरेंट कलर्स एंड यूजिंग देम टू वीव ऑन क्लॉथ. ओडिशा इज नोन फॉर दिस वर्क. इकट एक तरह की तकनीक है जिसमें कपड़ों को रंगा जा धागों को रंगीन धाग रंगा जाता है इस तरीके से, जैसे कि वो एक डिज़ाइन के कपड़े बन सके, और उड़ीसा इसके लिए फेमस है. क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं. वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर वुवन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल. अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वहाँ का वातावरण है, माहौल है, तापमान है, टेम्परेचर है यानी मौसम है, और क्या कल्चर और ट्रेडिशन है, या किस जगह पर कौन से कपड़े ज़्यादा उपलब्ध हैं या नहीं हैं. कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स इन विंटर एंड रेन कोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन. वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े हम ठंडी में, और बारिश में छाता और रेन कोट और गम बूट्स हम पहनते हैं. ड्रेसेस ऑफ वुमेन, वी वियर क्लॉथ्स टू लुक अट्रैक्टिव. वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. द मोस्ट कॉमन ड्रेस फॉर वुमेन इन अवर कंट्री इज अ साड़ी, बट इट इज़ वॉर्न डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स. औरतों
के पहना कपड़े, ज़्यादातर औरतें साड़ी पहनती हैं। कपड़ों में हम अच्छे लगते हैं और स्पेशल ओकेशन पे हम अलग अलग तरीक़ों से कपड़े पहनते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर स्त्रियां औरतें साड़ी पहनती हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग स्टाइल से पहनती हैं। जैसे ये बंगाली, इकत, साउथ इंडियन, अलग अलग तरह के साड़ी पहनने का, आसामी, यूपी दिख रहा है यहाँ पे, डिफरेंट वेज ऑफ वेयरिंग साड़ी, डिफरेंट ऑफ ड्रेस ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों में औरतों के अलग अलग ड्रेस होते हैं। वुमेन वियर सलवार कमीज इन पंजाब, हिमाचली वुमेन वियर फेरन ओवर, असमीज वियर मेखला चादर एंड राजस्थानी वियर लहंगा चोली। पंजाब में ज़्यादातर औरतें सूट पहनती हैं, हिमाचली औरतें फिरन बांधती हैं, आसामी औरतें मेखला और चादर लेती हैं और राजस्थान में लहंगा चोली पहना जाता है। वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ केयरिंग क्लॉथ, कपड़ों की सुरक्षा कैसे की जाती है उन्हें धोकर और प्रेस करने के। ड्रेसेस ऑफ मैन, मैन ऑल्सो वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, आदमी भी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इन कश्मीर मैन वियर फिरन सलवार विथ अ कैप, कश्मीर में आदमी लोग फिरन पहनते हैं, सलवार और टोपी पहनते हैं। फिरन एक तरह का ऊनी कुर्ता होता है। इन उत्तर प्रदेश मैन वियर धोती कुर्ता पहनते हैं यूपी में। राजस्थान में चूड़ीदार कुर्ता अंगरखा एंड टर्बन, पगड़ी अंगरखा और पैजामा। केरला में लुंगी कॉल्ड मुंडू एंड शर्ट, लुंगी और शर्ट पहनते हैं जिसको मुंडू कहते हैं। मॉडर्न ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूड स्कर्ट, टॉप, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट, शॉर्ट, लेगिंग, कुर्ता एंड मैनी मोर। मॉडर्न ड्रेसेस यानी नए ज़माने के कपड़े आजकल क्या हैं, औरतें और आदमी दोनों पहन सकते हैं। स्कर्ट टॉप, यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है, स्कर्ट टॉप, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, लेगिंग, कुर्ता और भी बहुत तरह के होते हैं और ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में लोग पहनते हैं। दिस ड्रेसेज आर जनरली वोन बाई पीपल इन अ बिग सिटीज़। ये द फोटोज ऑफ दिस ड्रेसेज। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी ऑल वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। वी वियर क्लॉथ्स टू लुक अट्रैक्टिव। कलमकारी, ब्लॉक पेंटिंग, भूलकारी, इकत, कंथा एट्सेट्रा द डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग ब्यूटिफुल क्लॉथ्स। एक्सरसाइज इज अटैच्ड विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर अलॉन्ग विद दिस वीडियो।